लगाया गया था। एक महान अभिनेत्री है, आप लोगों को पता भी होगा, जिसको बेटा होने की मैंने बधाई दी थी। मैं गारंटी देता हूं, आप कानून पढ़ो, किसी कानून में बधाई देने पे कोई धारा बनती हो तो मेरे पे उसमें भी 7 धारा लगा रखी है। अभी तक वो भुगत रहा हूं। आप लोग सोचते होंगे केस खत्म हो गया, इस 16 जनवरी की फिर तारीख है मेरी, पिछले टाइम से तारीख पे तारीख भुगतता रहा हूं। सीधी सी बात, ये जो सरकार है, सरकार अपने नुमाइंदों के कंधों पे धरके चला रही है। 15-20 केस लगा दो, तारीख भुगतता रहेगा, वकीला के रुपये दे दे कड़े टूट जाएगी कि मैं करण जो गप ना रहे। खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ऊपर आते पार्टी में आ जा, अच्छा सम्मान मिल लगा, अच्छा पद मिल लगा, काचे काटेगा ना, काचे चाहिए ना, पद चाहिए ना, सम्मान चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को बता भी दूं, कोई साथी कहते राजनीति करेगा, छकारा राजनीति करेगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों की आज तक आवाज बनाऊं, आवाज बन का कार्य कराया है। अगर मेरे को राजनीति ही करनी है, भाजपा बार बार बुला रही है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, आज जाके ज्वाइन कर लू, मैंने दूध का दूल्हा उड़ बना देंगे, डेली अखबार में मेरी बड़ी बड़ी पोस्ट आऊंगी, बड़ी बड़ी खबर आऊंगी, मैंने राजा बना देंगे, 2 रुपये मना अपनी गैल खाने देंगे, और गारंटी देता हूं थारे में को फिर मेरे तो उल्टा बोल के देखा दियो। जो हाल आज मेरा हो रहा है वो हाल थारा कर दूंगा, उस पद का फायदा ठाक है, उड़े बैठा बैठा केस लगवाए जाऊंगा, जब कह दूंगा पुलिस आया तो मारो रदो जूत घेरो भीतर। ये हालात मेरे हो रहे हैं। अगर राजनीति करनी है मेरे तो यार उड़ता जहाज ठहरा ही जाके बैठ जाए, ऊंचा मेरे लिए सीट खाली है। बस यही है, हम आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो समाज को जोड़ता है, जिसके साथ भीड़ होती, जिसके साथ भाईचारा होता, वे आदमी इनको अच्छे नहीं लगते। सिर्फ इतना रोल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक भी केस में मैं गारंटी देता हूं भाई को सबूत ला के दे दे, अगर शिकारा निर्दोष साबित हो गया। रेडियो भाई, हाँ जी, है अर्ज भाई, आज आप थाना में बुलाए गए थे, सामने आपका मैसेज भी था, तो कोई केस वगैरह का कोई चक्कर था, उसके बारे में एक बार बताओ, किस तरह के कुछ मामला था? सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को और शिकारा की तरफ से राम राम। मेरे बिना बुलाने के बाद भी आप लोग आए हो तो कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लगता है मेरा परिवार बढ़ रहा है, हम सब जागरूक हो रहे हैं, हम सब लड़ना सीख रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को बता दूं, परसों मेरे पास कॉल आई थी 2 तारीख को कि आपको थाने के अंदर आना, आपके ऊपर किसी विक्रम डामोलिया या दामोलिया कुछ ऐसा नाम है, इस नाम के शख्स ने आपके खिलाफ शिकायत दे रखी SC ST एक्ट की, जिसके अंदर जमानत नहीं होती 3 महीने से पहले, और वो जो शिकायत दे रखी वो SP साहब के पास से मार्ग होते हुए आप यहाँ पे थाने में आई है, जिस चीज के लिए पूछताछ के लिए मुझे पुलिस प्रशासन ने यहाँ बुलाया था। यहाँ बुलाने के बाद यहाँ हम आए हैं। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले वो FIR पढ़ी। सबसे पहली बात तो मैं उस शख्स को ही नहीं जानता जिसने मेरे खिलाफ शिकायत कर रखी। दूसरी बात, ना ही मेरी उससे कभी वार्तालाप है, ना ही उससे कभी बातचीत है, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करता हूं उसकी डिटेल में जाने की। जो इंसान हमारे ऊपर केस कर रहा है उसने शायद यह जो शिकायत 1 महीना पहले दी थी, 1 महीने में होते होते वो कार्रवाई यहां तक होके पहुंची है। आज जब मेरे को बुलाया गया, मैंने उसकी शिकायत देखी, शिकायत के अंदर उसने लिख रखा था कि अरस शिकारा जो है उसने जाति सूचक शब्द बोले हैं। जाति सूचक शब्दों की उसने यहां पे कोई वो नहीं दे रखी, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी जमा नहीं कर रखा जिस पे मैंने बोले हैं, लेकिन यहां पे आके मेरे को पता लगता है कोई ऑडियो होगी छोटी मोटी, और वो भी कई साल पुरानी, जिसमें मैं किसी से फोन पे बातें कर रहा हूं, और जो बातें कर रहा हूं उसके अंदर मैं एक शब्द बोलता हूं कमीन, लेकिन मैं बातें कर रहा हूं, मेरी जाति जाट है, और जिससे मैं बोल रहा हूं ये शब्द कमीन उसकी जाति भी जाट है। तो सबसे पहले तो मैं उसको पूछना चाहता हूं ये जाति सूचक शब्द कहां से हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं, सुंदर भाई इधर आना, पत्रकार है स्टार सुंदर न्यूज, इधर आना सुंदर भाई, आपकी जाति क्या है? मेरी चमार है। चमार है, सुंदर भाई की जाति चमार है, गर्व के साथ कहता है ये, आप अपनी जाति पे गर्व करते होगे? बिल्कुल गर्व करूं भाई। अब बात यह आती है, अगर मैं सुंदर भाई को ये कह दूं सुंदर भाई क्या हाल है और मेरे चमार भाई, तो इसका मतलब मेरे पे केस दर्ज हो जाएगा। वो भावना देखी जाती है, आप उसके इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, या भाई उसकी इज्जत बढ़ा रहे हो। तो सबसे मूर्ख इंसान तो वो है जो इन चीजों को बेमतलब का मुद्दा बनाते हैं। अब बात आती है भाई, जाति सूचक जो शब्द मैंने बोले वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया, थाने के अंदर जाते, थाने के अंदर बयान होते हैं, पुलिस प्रशासन ने हर बात का पता है कि यह लड़का गलत नहीं है, और पुलिस प्रशासन ने हमारी हद से ज्यादा सपोर्ट करी है, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा बर्ताव दिखाया। मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ थी, मैं आप लोगों को बता दूं, पुलिस प्रशासन को भी पता है ये जो मैटर है ये खाली
फेम होने के लिए उसने किया है। और उसकी जो डिटेल आप लोगों को बता दूं, उसकी उम्र 40 साल, अपने आपको स्टूडेंट बताता है, यही यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है। उसने 17-18 आदमियों पे पहले भी SC ST एक्ट लगवा के ये एक्ट 5,000 रुपया में राजीनामा कर ले। मैं ये कहना चाहता हूँ, भले मानस तू 5,000 रुपया के ऊपर मारी क्यों इज्जत बिगाड़ता हंडल लाग रहा भाई। अरे शिकारा तो वो इंसान है, आज मजबूर हो रहा हूं मैं ये बताने पर कि मेरी जाति है रूस की जाति है। अगर मेरी कोई वीडियो देखोगे उसके अंदर भी मेरे मुंह से ये शब्द नहीं निकले होंगे कि अरे शिकारा जाट जाति से ताल्लुकात रखता है। मैं अपने आप को इंसान कहता हूं, इंसानियत से प्यार करता हूं, इंसान की मदद करते हैं। 1300 परिवार हमने जो बसाए हैं, लगभग 200 बहन बेटियों की शादी करवाई है, लगभग 25 भात भरे हैं, 27 करोड़ रुपए की मदद करी है। मैं सब तो पूछना चाहूंगा, मदद हम किसकी करने लग रहे हैं? 90% मेरे दलित समाज के भाईचारे की मदद की है हमने, क्योंकि एक दलित समाज मेरा ऐसा है जिसके अंदर घर धरती जमीन कम होती है, जिनका जुगाड़ कम होता है, जो गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनकी मदद हमने की है। मेरे को तो यह भी नहीं पता मैं दलित समाज से ही बोल रहा हूं या गलत, आप इस पर भी केस कर दोगे, उंगली उठाओगे, क्या करोगे। मेरी भावना देखो, मेरी भावना हमेशा मदद करने की रही। अपने आप को जो अंबेडकरवादी बता रहा है, वो अंबेडकर को हमने पढ़ा भाई, भगत सिंह को हमने भी पढ़ा, हमने उसको पढ़ के अपने जीवन में डाला है, अंबेडकर को भी अपने जीवन में डाला, भगत सिंह को भी अपने जीवन में डाला, चंद्रशेखर को भी अपने जीवन में डाला, आपने क्या डाला है? अंबेडकरवादी तो बता रहे हो, अंबेडकरवादी कैसे हो सकते हो आप? आप पढ़ के बेमतलब किसी भी चीज को मुद्दा बनाते हो, अपने आप को फेमस होने के लिए किसी पे भी केस कर देते हो। दुर्भाग्य और शर्म की बात यह है, ये तो 5-10 केस 5-10 FIR से डेली करता रहा, हम तो थाने कोर्ट कचेरिया के चक्कर काटे जाएंगे। ऐसे आदमी पर कोई ना कोई संज्ञान लिया जा, ऐसे आदमी पर कोई ना कोई कार्रवाई करी जा। जब 17-18 आदमी आप यो केस लगा रहा है, हर बार जाट और पंडित को यो टारगेट करता है, तो कम से कम इसके ऊपर भी तो कोई शिकायत हो। मूर्ख आदमी सब तय आगे जाती सूचक शब्द बोल रहे हैं कि तू टकरावे, तू अभाव उबली हो रहा है, अक्सब न तू टकरान लाग रहा है। तो इस कानून का कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं भाई साहब, आपके सामने गलत फायदा और कैसे होता है? ये दुरुपयोग ही नहीं हो रहा, इसको इतनी जो ताकत दे रखी है, बिना बात का बतंगड़ बनाने लग रहा, बिना बात का मुद्दा बनाने लग रहा। मैं इसको चैलेंज करता हूं आपके चैनलों के माध्यम से, आज तक ना शक्ल तो मिल जाऊ ना देखा है, एक फोटो में देखा था 40 किलो का मानस है। मैं इस भाई को चैलेंज करता हूं भाई, तेरे समाज के अंदर आज तक तने एक मदद करी होती, वीडियो बना के कि गेर गमा, ये तो सीखा होगा अपने भाई बंधुओं की, अपने समाज की बुरे समय में मदद करें, एक मदद गिनवा देना मेरे को। और मैं मेरे पास आ जाना, तेरे को 100 मदद मैं गिनवा दूंगा तेरे समाज की, जिसको तू अपना समाज मानता। मैं तो सर्व समाज का हूं, सारे समाज मेरे हैं, लेकिन तेरी भाषा में ही कहता हूं, तेरी भाषा में ही तेरे समाज की तू एक मदद गिनवा दे, मैं सर्व समाज की गिनवा दूंगा। फिर यही आदमी कहते हैं कि जातिवाद फैल रहा, जातिवाद की रियलिटी ये है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले ही ऐसे इंसान है, ये वो मूर्ख इंसान है जिससे दूसरे इंसान को नफरत हो जाती है, जिनके लिए आप जी रहे हो, जिनके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, वह इंसान आपके ऊपर केस डाल रहे हैं। भाई कब तक जो है इसी तरीके से थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे? अगर आप कहीं ना कहीं अपने आपको निर्दोष बता रहे हो फिर भी थाने के चक्कर, सुनो भाई, कल रात को तो गुगा मेडी थाने में था, मेरी कोई FIR थी जिसके अंदर बाई नेम FIR थी, अरे शिकारा नाम, वहां पे पूछताछ हुई, वहां पे मैं गया, पुलिस प्रशासन को ये पता था आप निर्दोष हो, आप मौके पर नहीं थे। अगली जो पार्टी है जिन्होंने मेरी शिकायत दे रखी है, वो भी ये बोल रहे हैं आप निर्दोष हो, थाने में आके बोल रहे, तो मेरा नाम किस लिए लिखवाया? लेकिन क्या है, सरकार एक ऐसी है, सरकार को लगता हम उसके विरोधी हैं, उसके विपक्षी हैं, इस मारे सरकार या नाप सनाप काम करवाती अपने आदमियों से। सच्चाई तो ये है भाई, हम सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार की जो गलत नीतियां उसके विरोधी हैं, जीवांगे जब तक करांगे, सरकार बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ, JJP आओ, चाहे कोई भी आओ, सवाल और जवाब हमारा करने का अधिकार है। दूसरी बात यह, मैं जब वहां जाता हूं मेरे से पूछताछ होती, पूछताछ के बाद मैंने अपनी लोकेशन दिखा दी, 28 अक्टूबर का कोई केस है 2022 का, ये देखो उस दिन मेरे 8 प्रोग्राम थे, मैंने पूरी लोकेशन निकाल के लोकेशन उनके सामने रख दी, 270 किलोमीटर का जहां मेरे प्रोग्राम थे वहां से गुगा मेडी का रास्ता है, 7 घंटे जाने में लगते हैं, 7 घंटे आने में, और मैं पूरा दिन प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं शक्तिमान तो हूं नहीं, हेलीकॉप्टर से उठ के वहां चला जाकर केस करके वापिस आ गया। तो उन्होंने कल उस केस से मेरा नाम निकाल दिया, मेरे को ये कर दिया, अगर आप निर्दोष हो।
मैं निर्दोष हूं यार, मैं अपने घर आ गया, बात ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताया जाए, मैं 600 किलोमीटर घूम के आया, अपना तेल फूका, अपना दिन खराब करके आया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो बकरी के बच्चे बन गए, मेमने बन गए, जी करे जो केस लगवा दे, बाद में ये कह दिया आप निर्दोष हो। उससे दूसरा एक केस सोनीपत में लगाया गया मेरे पे सिटी थाने के अंदर, जिसमें मेरे को मैंने अग्रिम जमानत ले ली थी, एंट्री सेफ्टी बेल बोलते जिसको, उसमें लगाया गया मैंने किसी का प्लॉट कब्जाया है, उसमें लगाया गया मैंने 5 लाख रुपए फरौती मांगी है, उसमें लगाया गया मेरे साथ 16 हथियार वाले थे, उसमें लगाया गया हमने बहन बेटियों की इज्जत बिगाड़ी है, किसी के घर में घुस के किसी को मारे हैं। एक भी चीज का एविडेंस नहीं, एक भी चीज का सबूत नहीं। अखबार में इतना बड़ा मेरी वो दे दी, एड दे दी कि एसपी साहब ने भी हरस शिकारा पे मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसपी कितनी बड़ी चीज होती है, हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, पुलिस हमारे पे झूठा मुकदमा कैसे दर्ज कर देगी? उसमें दिखाएगा हरस शिकारा गुंडा है, मेरे ऊपर कोई एक केस साबित कर दो गुंडेपन का। जितने केस ये होने लग रहे हैं ये वही आत्मने के समाज के लिए हैं। अब क्या होता है उस केस में, कल सोनीपत कोर्ट में मेरे को दोबारा से जमानत करानी, क्योंकि मैं शामिल तफ्तीश होया हूं, शामिल तफ्तीश में मेरा कोई खोट नहीं मिला है, मेरे को अब दोबारा से जमानत करानी। हद होगी यार, मतलब कानून की कोई प्रक्रिया होती? इससे पहले भी मेरे पे केस लगाया गया था, एक महान अभिनेत्री है, आप लोगों को पता भी होगा, जिसको बेटा होने की मैंने बधाई दी थी। मैं गारंटी देता हूं आप कानून पढ़ो, किसी कानून में बधाई देने पे कोई धारा बनती हो तो मेरे पे उसमें भी 7 धारा लगा रखी है, अभी तक वो भुगत रहा हूं। आप लोग सोचते होंगे केस खत्म हो गया, इस 16 जनवरी की फिर तारीख है मेरी, पिछले टाइम से तारीख पे तारीख भुगता रहा हूं। सीधी सी बात, ये जो सरकार है, सरकार अपने नुमाइंदों के कंधों पे धरके चला रही है, 15-20 केस लगा दो तारीख भुगतता रहेगा, वकीला के रुपये दे दे कड़े टूट जाएगी कि मैं करण जो गप ना रहे, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, ऊपर आते पार्टी में आ जा, अच्छा सम्मान में लगा, अच्छा पद में लगा, काचे काटेगा ना, काचे चाहिए ना, पद चाहिए ना, सम्मान चाहिए। दूसरी बात आप लोगों को बता भी दूं, कई साथी कहते राजनीति करेगा, छकारा राजनीति करेगा। सबसे पहली बात तो आप लोगों की आज तक आवाज बनाया हूं, आवाज बन का कार्य कराया है। अगर मेरे को राजनीति ही करनी है, भाजपा बार बार बुला रही है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का प्रधानमंत्री है, भाजपा का मुख्यमंत्री है, आज जाके ज्वाइन कर लू, मैंने दूध का दूल्हा उड़ बना देंगे, डेली अखबार में मेरी बड़ी बड़ी पोस्ट आऊंगी, बड़ी बड़ी खबर आऊंगी, मैंने राजा बना देंगे, 2 रुपये मना अपनी गैल खाने देंगे, और गारंटी देता हूं थारे में को फिर मेरे तो उल्टा बोल के दिखा दियो, जो हाल आज मेरा हो रहा वो हाल थारा कर दूंगा, उस पद का फायदा ठाक है, उड़े बैठा बैठा केस लगवाए जाऊंगा, जब कह दूंगा पुलिस आया तो मारो रदो जूत गेरो भीतर, ये हालात मेरे हो रहे हैं। अगर राजनीति करनी है मेरे तो यार उड़ता जहाज ठहरा ही जाके बैठ जाए, ऊंचा मेरे लिए सीट खाली है, बस यही है। हम आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो समाज को जोड़ता है, जिसके साथ भीड़ होती, जिसके साथ भाईचारा होता, वे आदमी इनको अच्छे नहीं लगते। सिर्फ इतना रोल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक भी केस में मैं गारंटी देता हूं भाई को सबूत ला के दे दे, अगर शिकारा निर्दोष साबित हो गया। यहाँ पे दोबारा तो नहीं बुलाया गया, मेरे बयान लिए गए, बयानों में ये पाया गया हरस शिकारा ने जाति सूचक कोई शब्द नहीं बोला है, हरस शिकारा की तरफ से कोई भी एक ऐसा वो नहीं बना है कि कोई भी, अगर आप लोग सबूत पेश कर सकते हो हरस शिकारा की यहाँ गलती है, इसने समाज को यहाँ टारगेट किया, इसने समाज किसी धर्म मजहब के बारे में ये शब्द बोले हैं, तो हम दोबारा से इसके ऊपर उचित कार्रवाई करने को तैयार हैं। जो गलत तरह के केस करे हैं तो फिर कानून की चाहिए नहीं, उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब यही तो सबसे बड़ी समस्या है, और आप लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं, तो समाज से भी आगे नहीं आएंगे अगर ऐसी कार्रवाई। मेरी प्यारी बहन, सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है, अगला तो केस करके अपने घर सोन लाग रहा है, जब किसी ने को बोते दल का हो तो उड़ जाकर जीनामा करो, पहला तू न ढूंढते आंडो चार बो न बाबू जी को 5,000 रुपये उसकी गोज मगा लो, दो न छा प्याओ, जब वो थाने में उठका होगा राडा साइन करेगा मेरा इसका राजीनामा हो गया, यो उसका धंधा है या उसकी दुकानदारी है, यो उसका कमान खान का तरीका है। शर्म की बात यह है, ये जो SC ST एक्ट बनाया है, इसका जो दुरुपयोग कर रहे, जो गलत फायदा उठा रहे हैं, उनने इसका धंधा बना दिया, वो अपना समाज सेवियों के ऊपर चला हुआ अपनी। अब देखो बहन जी क्या है, मेरे को तो यहां से निमटा दिया, अब वो अगला टारगेट पकड़ेगा, अगला बंदा पकड़ेगा, यही तो मैं चाहता हूं, ऐसे आदमी पर भी तो कोई ना कोई उचित कार्रवाई हो। और जितने पत्रकार साथी आप लोगों के माध्यम से, यही तो आप लोगों को बता रहा हूं, इस सरकार की कम से कम ऐसी तो आंखें खुलनी चाहिए, जो ये ऐसे ऐसे जातिवाद के तम में कीड़े पैदा करके छोड़ रखे हैं,
इन कभी तो को लगाम लगा लियो। एक आदमी अठारह अठारह मनसा पे केस लगवाने लग रहा है और अठारह के अठारह वे आदमी है जो अपनी किसी न किसी चीज में मशहूर है, वे सब इसी को जाति सूचक शब्द बोलते हैं क्या? एक FIR कर दी, दो कर दी, तीन कर दी, पांच कर दी, 18 FIR होने के बाद आंखें तो खुलनी चाहिए। अब यो आदमी है कि भाई इस समाज को जोड़ने वाला बाकी सारे निकम में पैदा होगी। एक केस और जो आप जिंदापुर कर रहे थे वो आपने किसी की हेल्प कर दी, वो केस कहां तक पहुंचा, क्या सिस्टम है उसका? ये मैं बताता हूं भाई साहब, आप लोगों को नहीं पता हो उस केस के बारे में आपने बात कर ली, जिसका आपने नाम लिया फोगाट साहब, वो CM साहब के OSD हैं, पावर में हैं। वो केस वहीं तक पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था। उन्होंने अरस्ट शिकारा को बदनाम करने के लिए मीडिया के सामने उन परिवारों को बार बार पेश किया, उन परिवारों को बार बार ये बोला अरस्ट शिकारा के बारे में न्यू कहो, वो तो जबरदस्ती मारे बीच में आया और अरस्ट शिकारा के बारे में न्यू कहो उसने तो सारी झूठ बोली है। फोगाट एक नंबर का आदमी है, शिकारा झूठा है, ये बात कह मेरे आगे कहो तेरा जीनामा करूंगा। उन परिवारों ने खुल के दिल खोल के ये बात कही, क्यों कर कह देंगे हम? मारी आवाज उसने उठाई, मारी सुनिए उसने, हम कैसे कह देंगे उसके बारे में अब तू सही है? तो उसने राजीनामा करने तो मना कर दिया। 27 तारीख उसने डेट दे रखी थी, नवंबर की शायद, 27 नवंबर की हो या अक्टूबर की हो इतना मेरे याद नहीं है, लंबा टाइम हो गया, शायद 27 अक्टूबर की भी हो, 27 अक्टूबर की डेट दे रखी थी। डेट देने के बाद राजीनामा करने तो सांप नाट गया, उन सारे बड़का का केस लग गया, सारे बड़का ने कोर्ट में अपनी जमानत कराई है। या सच्चाई है ये मीडिया वाले इकट्ठे करके बेमतलब के बयान देकर अपना आपा साफ दिखा लिया। अब भाई देख लो ये आ रहे हैं मेरे दो मंत्र राजीनामा कर लिया, दो चार और पंचायती दे जो खाम खाके जो फेसबुक किए हैं, जिन कई दाल रोटी मारे थे गाड़ दे चल रहे है, वे उस पंचायत में शामिल हो रहे थे और वे शामिल हो गए बोले यो देखो भाई राजीनामा हो गया। इवन तो को सवाल जवाब करने वाला सह नहीं, आप अपने घर बैठे हैं सारे, उन बड़का का भाई हाल फिलहाल केस लाग रहा है, केस भुगतान लाग रही है। अच्छा कुछ वीडियो ने भी भाई फिल्म में आने लग रहा है, उसका बता दे थोड़ा बहुत। भाई साहब हम केस मारे तो केस तो संबंधित बात करेंगे, दूसरी बात फिल्म की रही, ये तो मैं छोटा मोटा जो मेरा मन करता वो करने की कोशिश करता रहता हूँ भाई।